फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाया फॉलोड बाय। तो इस लेसन में बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में ये पूछा कि प्रीसीडेड बाय क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में प्रीसीडेड बाय के बारे में देखें। प्रीसीडेड बाय और फॉलोड बाय दोनों में ना के बराबर फर्क है, लेकिन फर्क है। अगर आप गौर से इस बात को सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको याद होगा, मैंने फॉलोड बाय के इस्तेमाल में आपको बताया वन इज फॉलोड बाय टू, यानी एक के बाद दो आता है। तो फ्रेंड्स, वहां पर आपने सीखा कि एक नाउन के बाद दूसरा आता है। आइए एक और एग्जाम्पल देखें। अगर मैं कहूँ ठंडी के बाद गर्मी आती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे विंटर इज फॉलोड बाई समर, यानी ठंडी के बाद गर्मी आती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम बात प्रीसीडेड बाई की करें तो प्रीसीडेड बाई का मतलब होता है से पहले। जैसे अगर यहाँ लिखा हो वन इज प्रीसीडेड बाई टू, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि टू से पहले वन आता है, यानी प्रीसीडेड बाय का मतलब होता है से पहले। जबकि हम फॉलोड बाय की बात करें तो फॉलोड बाय का मतलब होता है के बाद। तो आप इन दोनों सेंटेंस को गौर करें, वन इज फॉलोड बाय टू, यानी एक के बाद दो आता है, और दूसरा एग्जांपल है वन इज प्रीसीडेड बाय टू, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि दो से पहले एक आता है। उसी तरीके से फ्रेंड्स, ये दो एग्जांपल देखें। विंटर इज फॉलोड बाय समर, यानी ठंडी के बाद, मैंने बोला बाद, ठंडी के बाद गर्मी आती है। लेकिन अगर मैं कहूँ विंटर इज प्रीसीडेड बाय समर, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि गर्मी से पहले ठंडी आती है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर लिखा हो मार्च इज फॉलोड बाय अप्रैल, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि मार्च के बाद अप्रैल आता है। लेकिन अगर लिखा हो मार्च इज प्रीसीडेड बाय अप्रैल, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि अप्रैल से पहले मार्च आता है। आइए अब लास्ट एग्जांपल देखें। डे इज फॉलोड बाय नाइट, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि दिन के बाद रात होती है या रात आती है। लेकिन अगर लिखा हो डे इज प्रीसीडेड बाय नाइट, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि रात से पहले दिन होती है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि इज फॉलोड बाय मतलब के बाद, और इज प्रीसीडेड बाय का मतलब होता है से पहले। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कंसेप्ट शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको ये लेसन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।